हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको 100 के केबल ट्रंकी में साइड ऑफसेट का मार्किंग करके दिखाएंगे। इसका मार्किंग किस तरीके से किया जाता है, क्या फार्मूला है इसका, किस तरीके से इसका मेजरमेंट हम करेंगे, कितना कितना सेंटी गैप दे करके इसका हम मार्किंग करते हैं केबल ट्रंकी में, ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। इसका पहले हम मार्किंग करेंगे, उसके बाद कटिंग करके इसको फिर हम बैंड करके भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, तभी आपको समझ में आएगा। और चैनल पर अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को अभी जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली जो वीडियो रहेगी आप तक पहले पहुंचेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा केबल ट्रंकी 100 mm का, ठीक है। तो इसका मार्किंग किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो इस तरफ से हम इसका मार्किंग स्टार्ट करेंगे, देख सकते हैं। और इसका हम आपको साइड ऑफसेट का मार्किंग दिखाएंगे, साइड ऑफसेट का मार्किंग किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको पूरा डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से आकर तक वॉच करें, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से हम छोड़ेंगे कुछ दूरी, यहाँ से हमको जितना छोड़ना रहेगा उतना छोड़ करके हम पहला मार्किंग करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से हमने 200 mm छोड़ देना है, ठीक है। आपको यहाँ से जितना छोड़ना होगा उतना छोड़ करके आप पहला मार्किंग करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ से 200 mm छोड़ करके पहला मार्किंग किया, हमको ये आगे का 200 mm चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से हमने एक निशान लगाया 200 mm पे, उसके बाद देखिए हम कितना पे मार्किंग करते हैं। ये हमारा ट्रंकी कितने का है, 100 mm का। तो जब भी आप 100 mm का ट्रंकी का आप मार्किंग करते हैं तो ये हमारा दो विकट बनता है, ठीक है। तो पहला विकट का भी हम मार्किंग करेंगे। तो देखिए, जब विकट का आप मार्किंग करते हैं तो यहाँ से हमने जैसे 200 mm छोड़ा, और उसके बाद ये 100 mm का ट्रंकी है तो 40 mm पे एक मार्किंग करेंगे, और फिर एक और निशान लगाएंगे 40 mm पे। 40 mm पे दो निशान आपको लगा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा निशान लग गया है, अब इसको हम राइट एंगल से मार्किंग करते हैं। तो ये मार्किंग हमारा इस तरीके से हमको कर लेना है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है, देख सकते हैं, इस तरीके से आपको मार्किंग कर लेना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है और ये जो फर्स्ट वाला लाइन है, इसको हमको भी बनाना है, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा ये 40 mm बचा है, इसको हम कपलर बनाएंगे। तो इसका आगे का मार्किंग देखिए हम किस तरीके से करते हैं, सेम आपको मार्किंग करना है। तो ध्यान से देखिए वीडियो को, और जैसे जैसे हम मार्किंग कर रहे हैं वैसे वैसे आप मार्किंग करिए, तो आपका पूरा मार्किंग आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ से हमको यहाँ पर मिला देना है। तो देख सकते हैं ये भीकट हमारा ये बन चुका है, ये आपको काट करके इसको निकाल देना है। और ये जो देख रहे हैं ये हमारा 40 mm बच गया है, इसको हम कपलर बना लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ एक मार्किंग कर दें, और फिर इधर आ जाएं आप, जैसे हमने जहाँ से मार्किंग स्टार्ट किया था यहाँ से एक निशान आपको यहाँ पर लगा देना है, और यहाँ से एक मार्किंग आपको कर देना है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं ये हमारा किस तरीके से ये मार्किंग हो गया है। ये आपको काट करके ये वाला हिस्सा काट के आपको निकाल देना है, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी आपको काट करके इसको भी निकाल देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं ये जो सेंटर वाला लाइन है हमारा, ये सेंटर वाले लाइन को आप यहाँ पे मार्किंग कर दें इस तरीके से। ये देखिए, ये जो सेंटर वाला लाइन है यहाँ पर आप निशान लगा दें सीधा राइट एंगल से, और यहाँ पर आपको इस तरीके से एक भीका मार्किंग कर देना है, ठीक है। ये जो हमने भी का मार्किंग किया है ये आपको कटिंग कर देना है, ठीक है। ये भी आपको काट करके निकाल देना है, अगर आप ये नहीं कटिंग करेंगे तो ये आपका ट्रंकी बैंड नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस तरफ का ये हमारा मार्किंग हो गया है। तो देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसका मार्किंग किया है। अब हमको इसका आगे का भी मार्किंग करना है, ठीक है। तो इसका हम आगे का मार्किंग किस तरीके से करते हैं वो आपको ध्यान से देखना है। तो इस तरीके से आपको ट्रंकी को कर लेना है, ठीक है। और ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, इस सेंटर वाला लाइन से हम इसका मार्किंग करेंगे। तो आप इसको अच्छे से ये पूरा मार्किंग कर दें इस तरीके से, ठीक है। अब हमको ये देखना है फ्रेंड्स कि हमको कितना का साइड ऑफसेट बनाना है, उसके हिसाब से हम आगे का मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला भी का मार्किंग हो चुका है, और दूसरा जो हम मार्किंग करेंगे इस तरफ करेंगे, ठीक है। साइड ऑफसेट का जब भी आप मार्किंग करते हैं वी कटिंग का, तो एक आपको इस तरफ से कटिंग करना होगा इस तरफ से, और दूसरा इस तरफ से हम इसका मार्किंग करके इस तरफ से कटिंग करेंगे, ठीक है। तो एक भी हमारा इधर बन चुका है, अब दूसरा भी हम उधर बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि हमको कितना का साइड ऑफसेट बनाना है, उसके हिसाब से हम आगे का इसका मार्किंग करेंगे। तो हमको बनाना है 200 mm का। तो
200 mm का हमको बनाना है साइड ऑफसेट। तो ये हमारा 200 mm हो गया। 200 mm को हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा जो फार्मूला है 1.41, ठीक है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा 28.2, यानी कि 282 mm, ठीक है। तो 282 mm जो हमारा आंसर आएगा, हम क्या करेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, ये जो भी का, ठीक है, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, अब ये सेंटर वाला लाइन हमने यहाँ पे ये मार्किंग किया, ठीक है। अब हम इसका यहाँ से आगे मेजरमेंट करेंगे, तो यहाँ से हम इसका मेजरमेंट लेंगे कितना, 282 mm, जितना हमारा मेजरमेंट आया है, यहाँ से हम इसका मेजरमेंट करेंगे, तो ये हमारा 100 mm और ये 200 और ये 280 और इसके दो एक और इसके 2 mm आगे चले जाइए, तो ये हमारा हो जाएगा 282 mm। तो देख सकते हैं यहाँ से हमने 282 mm ये मार्किंग कर दिया है। अब इसके बाद इसको हम आगे का मार्किंग करेंगे, तो इसका आगे का हम मार्किंग करेंगे 40-40 mm पे। ये हमारा 100 का ट्रंकी है, तो 40 mm इधर, फिर 40 mm, फिर आगे आपको मार्किंग कर देना इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा मार्किंग हो गया है। अब हम इसको राइट एंगल से इसका मार्किंग करेंगे, इस तरीके से आपको इसका मार्किंग कर लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा 3 मार्किंग हो चुका है। अब ये तीनों जो मार्किंग है हमारा, ये सेंटर वाला लाइन, जो ये हमारा सेंटर वाला लाइन है, और ये जो आखिरी वाला लाइन है, इधर से हमारा जो आखिरी लाइन है, इसको हमको भी बनाना है, और ये जो 40 mm है, इसमें हमको कपलर बनाना है, ठीक है। तो इसको हम पहले भी बना लेते हैं, उसके बाद हम इसमें आपको कपलर का ही मार्किंग करके दिखाएंगे। सेंटर वाला लाइन आप यहाँ पर लेके आ जाए, और ये जो लास्ट वाला लाइन है, आप उसको इस तरीके से क्रॉस मार्किंग कर दे, तो ये आपका भी कटिंग का मार्किंग हो जाएगा। तो ये हमारा भी का मार्किंग हो चुका है। इसको आपको यहाँ से ये कटिंग करके, इसको आपको पूरा भी काट करके इसको बाहर निकाल देना, ठीक है। अब बचा ये हिस्सा हमारा, तो इसको हमको कपलर बनाना है, ठीक है। तो इसको हम मार्किंग करेंगे कपलर का। देखिए किस तरीके से हम इसका मार्किंग करते हैं। यहाँ से आप एक निशान लगा दें इस तरीके से, ठीक है। ये आपको कटिंग कर देना है, और फिर यहाँ से यहाँ एक मार्किंग कर दें, और यहाँ से एक यहाँ पे मार्किंग कर दें, ठीक है। तो ये देखिए जो हमने मार्किंग किया है, ये आपको यहाँ से ये यहाँ तक, ये हिस्सा आपको काट करके इसको निकाल देना है, ठीक है। और ये जो कोना वाला देख रहे हैं आप, ये जो कॉलर है हमारा, इसको भी ऐसे राउंड आपको काट करके इसको भी निकाल देना है। ये आपका भी कट के निकल जाएगा, बचेगा ये हिस्सा, ये हमारा कपड़ा बन जाएगा। जब इसको हम बाइंड करेंगे, तो ये जो लाइन है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, और ये इसके अंदर आ जाएगा, तो इसमें हम टाइटर से होल करके रूपिंग बोल्ट इसमें हम डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मार्किंग करना है, और एक मार्किंग आपको और करना है। ये देखिए, ये जो हमारा सेंटर वाला लाइन है, ये सेंटर वाला लाइन हमको यहाँ पे एक निशान लगाना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसका मार्किंग करते हैं, सेम आपको मार्किंग करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसका मार्किंग लिया है, और यहाँ पर इस तरीके से आपको भी का मार्किंग कर देना है, जैसे हमने आपको यहाँ पे करके दिखाया, ठीक है। ये भी आपका कटिंग हो जाएगा, और ये भी कटिंग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्किंग हमारा जो है मुकम्मल हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरीके से आपको मार्किंग करना है, मैंने आपको फार्मूला के साथ भी बता दिया है, इतना ईजी से आपको बताया, ठीक है। तो अब हम इसको कटिंग करेंगे, कटिंग करके, और इसको हम आपको दिखाएँगे, फिर बैंड करके भी हम आपको दिखाएँगे, और इसका मेजरमेंट भी हम आपको करके दिखाएँगे। तो वीडियो में बने रहिए शुरू से आखिर तक, और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखें फ्रेंड, ये हमने कटिंग कर दिया है, जैसे हमने आपको बताया था, सेम ये हमने मार्किंग किया, और सेम हमने ये काट करके इसको, ये देखिए, ये हमारा पहला भी है, और ये है हमारा दूसरा भी, ठीक है। तो ये साइड ऑफसेट का हमने दो भी कटिंग का मार्किंग किया था, ये देख सकते हैं, ये हमारा पहला भी है, और ये जो है हमारा कपलर है, यहाँ से हमने ग्राइंडर से निशान भी लगा दिया है, ठीक है। तो आप यहां से निशान लगा दें, ताकि ये जो कपलर है आपका, इसमें आएगा तो बैंड करने में आपको आसानी होगा, ठीक है। और ये देखिए, ये हमने कॉलर काट कर निकाल दिया, और इस साइड से भी हमने ये काट कर निकाला है, तो ये हमारा कपलर बन चुका है। और इस तरफ से भी देखिए, यहां से हमने ये काट दिया, और ये वाला हमने काट करके इसको निकाल दिया, तो ये हमारा कपलर बन गया है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, ये सब इसको आपको फाइल मार लेना है अच्छे से, ठीक है। दोनों तरफ हम इसको फाइल मारेंगे,
और उसके बाद हम इसको बैंड करके इसका हाइट भी आपको मेजरमेंट करके दिखाएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इसको हम फाइलिंग करके और इसको बैंड करके फिर हम आपको हाइट मेज़र करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा साइड अपसाइड बन करके तैयार हो गया है। देख सकते हैं हमने किस तरीके से इसको बैंड कर दिया है। अब हम आपको इसका हाइट भी मेज़र करके दिखाएंगे, ये हमारा 200 mm का साइड अपसाइड बना है कि नहीं। तो पहले आप देख लें किस तरीके से हमने इसको बैंड किया। ये हमारा कपलर है और यहाँ पे हमने 2 रूपिंग बोल्ट डाल के इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। और ये देखें, ये भी आपका कपलर है, यहाँ भी आप एक होल मार के इसको अच्छे से टाइट कर दें, ठीक है। तो ये भी आपका अच्छे से ये बैठ जाएगा। ये देख सकते हैं किस तरीके से हमने इसको टाइट किया है। और ये हमारा दूसरा कपलर है, ये देखिए, उसको भी हमने अच्छे से बैंड करके हैमर से मार करके हमने यहाँ निशान लगाया था, तो ये आसानी से ये बैंड हो गया है। और यहाँ पे भी हमने रूपिंग बोल्ट डाल करके इसको हमने अच्छे से टाइट कर दिया है। देख सकते हैं किस तरीके से ये हमारा बैंड हुआ है। तो सेम इसी तरीके से आपको बैंड कर लेना है फ्रेंड्स। और ये देखिए, ये हमारा बैक साइड का है। तो अब हम इसको आपको साइज़ इसका मेज़रमेंट करके दिखाएंगे। हमने जितना का बनाया था 200 mm का, ये हमारा मेज़रमेंट परफेक्ट आया कि नहीं, ये भी हम आपको आपको चेक करके दिखाएंगे। तो चलिए इसका मेज़रमेंट कर लेते हैं, ये हमारा 200 mm का साइड अपसेट बना है कि नहीं। तो ये देखिए फ्रेंड, ये हमारा 200 mm का मेज़रमेंट आ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा 200 mm का साइड अपसेट बन गया है। देख सकते हैं ये हमारा ट्रंकी पूरा सीधा है ना। तो इसी तरीके से आपको मार्किंग करना है और इसी तरीके से आपको कटिंग करके आपको इसी तरीके से इसको बैंड कर लेना है। तो ये आपका साइड अपसेट सेम मेज़रमेंट का आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।